डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, जरूरत पड़ी तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। बुलडोजर जब चल ही रहा है तो वह ठीक जगह चले। ग्राम समाज की जिन भूमि पर अवैध कब्जे हैं वे मुक्त हों, वहां स्टेडियम बनने चाहिए ताकि खिलाड़ी सड़क पर दौड़ने लगाएं। राकेश टिकैत आज मेरठ कमिश्नरेट पहुंचे थे, यहां मीडिया से उन्होंने यह बात की। मेरठ तो आए, यहां को निकल ले, यहां के देखे भाई नई सरकार बनने के बाद में क्या माहौल है। ये पुराने धरना स्थल रहे हैं अपने, इनको भी देख रहे हैं पुराने धरना स्थल पे क्या क्या है। ये पेड़ जहाँ पे बैठते पूरे आंदोलन चलते थे उनका क्या हाल है, और अब नई सरकार बनेगी, अब काम होना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्टेडियम पे। जैसे हरियाणा में है हर गांव में वहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी जो बंजर जमीन है उस पे काम हो। बुलडोजर जो है, जब बुलडोजर चल ही रहा तो ठीक जगह चल रहे, गांव समाज की जमीनें अगर दबरी हैं तो वे निकले, उनमें स्टेडियम बने, और स्टेडियम बनेंगे तो बच्चों खेल कूद की जगह मिलेगी। आज सारे बच्चे सड़क के ऊपर दौड़ लगा हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री को कहेंगे कि इस पर भी काम करें, और बिजली भी हरियाणा के बराबर हो जाए। कुछ तो इन्होंने कहा कि कुछ कम करेंगे, उसका नोटिफिकेशन हो के उसकी भी आ जाए, लेकिन आंदोलन से यह हुआ कि कहा उन्होंने कि हम आधे रेट उसके करेंगे, उसके रेट भी डाउन हो, गन्ने का भुगतान भी डिजिटल हो जाए। अब ये 15 दिन और 14 दिन का क्यों, वो डिजिटल आए, प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया का, तो वो किसानों को भी मिले, और गन्ने उसका गेहूं का भाव ठीक रहेगा। आपका सरकारों के रहमो करम पे नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कमी है, किसान सस्ते में गेहूं ना बेचे अपना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपना कटाई का ध्यान रखें, और भाई प्रेस को भी बोलने की आज़ादी मिले, गड़ा ना घोटो सरकार किसी का भी। अपने बात करी आंदोलन की, आंदोलन की, आंदोलन स्थल रहा ने, तो पुराना जो आयुक्त कार्यालय है ये पुराना असल रहा 88 वाला, यहाँ पे आंदोलन है, यहीं हम रहे उस टाइम पे, हम जो छावनी होती थी उस टाइम उस जगह रहते थे, और यहाँ से वहाँ तक सब जगह जनता रहती थी। चुनाव कहाँ है, हो गए चुनाव तो 90 वोट सीट लेके गई, कोको तो नहीं कि कोको माई है बीजेपी वालों की, भाई लेके जाओ कुछ ना कुछ। महंगाई बढ़ रही, देखो महंगाई का ये पता जरूर चल गया कि सरकार के कंट्रोल में महंगाई है, सरकार महंगाई को बढ़ा घटा सकती है। तो क्या तो अगला क्या है तो? नहीं, हमारा तो ये है कि सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी अपना चलाओ, लेकिन महंगाई पे इन पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ पे काम करें, और जब बुलडोजर चल ही रहा तो स्टेडियम के लिए जगह खाली करवा लो, उसमें चले। देखो माफिया पे अगर किसी पे जमीन है छूटे हो तो काम आएगी, हाँ किसी ने कब्जा रखी है ना, संपत्ति बना रखी तो छूटनी चाहिए। हॉस्टल बने उसमें, यहाँ पे भाई शहरों के अंदर गर्ल्स हॉस्टल ये बन जाए उसमें, तो लड़कियों को शिक्षा मिलेगी, और गांव में भी स्टेडियम बने, हरियाणा की तरह में बहुत काम हो सकता है। MSP पे कमेटी गठित अभी नहीं हुई, और उनको एक चिट्ठी लिखी कि उसमें कितने लोग रखे जाएंगे वो आप बता दें, और कितने लोग किसानों की तरफ से जाएंगे तो हम अपने नाम दे देंगे। आंदोलन क्या को ख़त्म होता है क्या? आंदोलन जब जरूरत जहां होगी तो आंदोलन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।